आज की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि चीन की निष्क्रिय हो चुकी अनियंत्रित स्पेस स्टेशन अगले 24 घंटे में धरती पर गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खगोलीय आग का गोला बन जाएगा। चीन के अंतरिक्ष प्राधिकरण ने इसकी आशंका जताई है। तो वहीं चीन अंतरिक्ष केंद्र ने दावा भी किया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चीनी अंतरिक्ष केंद्र ने एक बयान में कहा कि टियांगोंग 1 अनियंत्रित ढंग से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुमानों के जैसा ही है। इससे पहले चीनी अधिकारियों ने कहा था कि 8 टन के इस क्राफ्ट के नीचे गिरने से किसी नुकसान की आशंका नहीं है। बता दें कि इसके बहुत ही तेज गति से बिखरने पर यह चमकीले आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, जो उल्का पिंड जैसा दिखेगा। ESA ने कहा है कि यह बहुत ही तीव्र गति से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और विखंडित प्रयोगशाला का मलबा न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिकी मिडवेस्ट के बीच कहीं भी गिर सकता है। चाइना मैंड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट WeChat पर कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।